जिला के माध्यम से सरकार से मांग कर रहे हैं, आइए सर। हम लोग बिहार सरकार के विभिन्न कार्यालयों जो कि सरकार का हॉट पॉइंट होता है, जहाँ से ये कहिए कि सरकार को सबसे अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है, सचिवालय से लेकर क्षेत्रीय कार्यालय जितना भी पंचायत स्तर तक हमारे लड़के फैले हुए हैं, सरकार का जो अहम अंग है DTO, जहाँ सबसे ज़्यादा राजस्व की प्राप्ति होती है, ट्रेजरी, GPF, यहाँ तक कि अंचल जहाँ से बिहार सरकार का जितना भी जमीन से संबंधित कार्य होता है दाखिल खारिज तक हमारे लड़के करते हैं, और सारे के सारे, और टोल प्लाजा जो होता है वहाँ भी हमारे लड़के होते हैं। इतना महत्वपूर्ण काम करते हुए भी सरकार के सामने जब हम अपनी मांगों को रखते हैं तो पिछले 20 वर्षों से सरकार बहला फुसला कर हम लोगों से काम करवा रही है और हमारी मांगों को सीधे से खारिज कर दे रही है, और बहुत सारे ऐसे कर्मचारी संघ है सबको कुछ ना कुछ दिया है, लेकिन हमारा जो वर्तमान में एक मांग है जिसके लिए हम लोगों ने धरना प्रदर्शन करने का ये निर्णय लिया है, वो मांग है, एकल मांग है हमारा, सेवा समायोजन। हम लोग पिछले एक महीने से चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। पिछले महीने हम लोगों ने पटना के गर्दनी बाग पर पूरे बिहार के हजारों हजार डेटा एंट्री ऑपरेटर उपस्थित होकर सरकार के समक्ष महत्वपूर्ण तरीके से और बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने अपनी मांगों को रखा। इसके बावजूद भी सरकार हमारी मांगों को नहीं सुनी। फिर उसके बाद हम लोगों ने अगले चरण में अपने अपने जिला में, बिहार का 300 जिला में आंदोलन किया गया। 5 तारीख को धरना प्रदर्शन था उसमें, फिर उसके बाद हम लोगों ने फिर सरकार को समय दिया। 6 तारीख से 11 तारीख तक हम लोगों ने काला पीला लगाकर कार्यालय में काम किया सरकार का विरोध करते हुए। उसके बाद भी सरकार हमारी मांगों को अब तक किसी प्रकार से नहीं सुनी है। फिर हम लोगों ने निर्णय लिया 2 दिन का सांकेतिक हड़ताल करेंगे कार्यालय दिवस में, एक कल था और एक आज है, का मौका देंगे। सरकार अगर हमारी मांगों को नहीं मानती है तो अगले 15 से 20 दिनों में बिहार के सभी डेटा एंट्री ऑपरेटर जो कि सरकार के महत्वपूर्ण कार्यालय में बैठे हुए हैं, हम लोग चक्का जाम कर देंगे, टोटल का टोटल सिस्टम ठप कर देंगे। आप लोग अच्छी तरह से समझते हैं कि वर्तमान में बिहार सरकार का जितना भी कार्यालय है, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा कार्यालय जो भी हो, और वहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटरों की क्या स्थिति है और उनका क्या योगदान है, आप लोग अच्छी तरह समझते हैं। आपसे दो बात कहना चाहेंगे सर, कि आप लोगों को ये हड़ताल से डायरेक्ट असर जनता पे, उनको लगता है हमारे हिसाब से भी जनता पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। बिल्कुल सर, जनता पर और सरकार पर भी। सरकार को जहाँ से सबसे अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है और आम जनमानस से जुड़ा हुआ जो कार्यालय अंचल, वहाँ का सारा लगता हमारे हैं। पंचायत में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र तक हमारे लड़के बनाते हैं, और सचिवालय में देखिएगा प्रधान सचिव से लेकर यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के कार्यालय में भी हमारे लड़के बैठे हुए हैं, और जितना भी छोटा से छोटा मेल, छोटा से छोटा ऑर्डर, और आप लोग समझते हैं कि जो भी ऑर्डर बनता है या लिखा जाता है टोटल का टोटल हमारे डाटा एंट्री ऑपरेटर के द्वारा ही किया जाता है। इसके बावजूद भी सरकार हमारी मांगों को, अच्छा मांग में क्या क्या है आपका, क्या क्या मांग है? हमारा एक ही मांग है, सेवा समायोजन। जो जिस विभाग में हो सभी डेटा एंट्री ऑपरेटरों को उसी विभाग में सेवा समायोजित किया जाए, ताकि 60 वर्ष की उम्र का जो अंतिम पड़ाव होता है उस अंतिम पड़ाव तक हम लोग हंसी खुशी काम करें और अच्छी तरीके से बिहार सरकार का जो भी महत्वाकांक्षी योजना है उसको धरातल पर उतारने का काम करें। सरकार अगर आपके मांग को नहीं मानती है तो आगे आप लोग क्या एक्शन होगा? आगे हम लोगों ने प्लान बनाया है, हमारे राज्यस्तरीय संघ का निर्णय है, 15 से 20 दिनों में हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, और उसमें सरकार का या आम पब्लिक का जो भी कार्य रुकेगा या चक्का जाम होगा और सरकार का किसी भी परिस्थिति में घाटा होता है, राजस्व का प्राप्ति नहीं हो पाता है या कोई भी काम रुकता है, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ इस प्रदेश की सरकार जिम्मेवार होगी। है।